आगामी विधानसभा चुनाव के एन 5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कांग्रेस पर तंज कसने के बाद कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी दूसरों के घर झांकने के बजाय अपना घर संभाले। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया था। आखिरी 4 महीने के चलाचली की बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने उनके साथ अन्याय व अत्याचार किया है। उन्होंने एन चुनाव के पहले सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना उनका अपमान करने के बराबर है। पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस के लिए आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब घोटाला कोयला घोटाला उजागर हुआ है, विकास के सारे काम ठप हुए हैं और जनता में जो आक्रोश है वो उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा है। क्या इस बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से आउट करने का निर्णय तय कर रखा है, इसलिए इस प्रयास से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। वहीं बूथ चलो अभियान के तहत बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साव के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विपक्ष की बखूबी जिम्मेदारी भी निभाई है। हम सब एकजुट होकर संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए 15 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को 14 सीट पर लाकर सिमट दिया है। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय टी एस सिंहदेव साहब नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और हम जब हम विपक्ष में रहे हैं, आदरणीय भूपेश बघेल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ हमेशा साथ चलकर संगठन को मजबूती किया, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के 15 सीटों में सिमट दिया। अरुण साहब जी अपने घर को देख लें, 14 सीटों में सिमट गए। हम 2003 हो, 2008 हो, 2013 का देख लीजिए, 37 सीट, 2008 में 38 सीट, 2013 में 39 सीट। कभी भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई वैसा हम लोगों का स्थिति नहीं बना, हम हमेशा मजबूती के साथ रहे। आज तो हम 71 सीटों के साथ सरकार में हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने घर देख ले, दूसरे के घर को ताकी झाकी ना करे। थैंक यू। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष मरकाम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को नसीहत देते हुए कहा कि किसी दूसरे के घर को झांकने के पहले वे और भाजपा के लोग अपने घर को झांके। आज हम 71 सीट के साथ सत्ता में काबिज हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।